सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होता रहेगा जो हमेशा से होता आया है। तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, दुआ है वह खुशियां आपके कदमों में हो। खुदा आपको वह सब हकीकत में दे जो कुछ आपके सपने में हो। आज का पंचांग 3 मार्च 2020, दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 10:32 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:07 से 4:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 3 मार्च 2020, दिन मंगलवार। अभी आप पार्टी भरा जीवन चाहते हैं ताकि क्लबों और समूहों में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, प्रतिक्षण में भाग लेंगे और नए कौशल सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। बातचीत में दुश्मन के इरादों को नज़रअंदाज करें, इसके बजाय प्रियजनों के साथ समय बिताकर आराम पाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। संपत्ति धन और पैसा सब मिलेगा, बस उनका प्रयोग सोच समझ कर करें। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। सामाजिक क्षेत्र में कुछ नया करने और उससे आपका बहुत दबदबा बनेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कहीं से सम्मान या पुरस्कार मिलने की संभावना बन रही है। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी और इस संदर्भ में कुछ नए कार्य भी हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, आपको अपने किसी पुराने रिश्तेदार या परिचितों से कोई लाभ मिल सकता है। आपको कोई अच्छा प्रस्ताव मिलने के भी संकेत हैं जो आपको जॉब या बिजनेस के सिलसिले में लाभ दे सकता है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो भविष्य में सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। किसी बात को लेकर आपको चिंता या तनाव भी रह सकता है। सावधानियां, स्वभाव में घमंड की बढ़ने से नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू जीवन में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कार्यों में व्यस्त रहने के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इस कारण घर में कलेश भी रहेंगे। इन सब के अलावा शादीशुदा जीवन में भी टकराव रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो जीवन को रोमांचक और उत्साहित बनाने के लिए अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाएं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करें। मोहब्बत को जीवन बनाए रखने के लिए आपके प्रयास जरूरी हैं। विवादों और मुकदमेबाजी जैसे बाधाओं को अपनी साथी के साथ मिलकर आप चुटकी बजाते ही दूर कर लेंगे। आज हर चीज आपको प्रभावित करेगी। परिवार और साथी के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान ले कि इसमें सम्मान और सच्चाई है। करियर की बात करें तो आज सब कुछ भूलकर अपनी शक्ति और प्रदर्शन पर विश्वास करें। धन के नुकसान से बचने के लिए आज ऋण लेने या देने से बचें। अपनी प्रतियोगिता की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अपने अधीनस्थ या सेवक की तारीफ करें क्योंकि वो आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब चीज और गतिविधि आपके जीवन में बड़ी छाप छोड़ती है।
अब समय है थोड़ा समय निकाल कर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का, अपने कौशल के साथ ही ज्ञान में बढ़ोतरी करें। सेहत की बात करें तो इस बार आपको ख्याल रखना होगा कि किसी भी आगे बिजली के यंत्रों का इस्तेमाल करते समय कुछ अनहोनी ना हो जाए, वरना कोई दुर्घटना या चोट लगने के संकेत हैं। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने से बिजली का झटका भी लग सकता है। आज का उपाय, आज आप हनुमान जी की आराधना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।